गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू दिस क्लास टूडे वेयर वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू नेम रिएक्शंस तो हम कुछ एक नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैनमेयर रिएक्शन फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्टॉबे कंडन और फिर गैट मैन कॉज सिंथिस तो शुरू करते हैं सैनमे रिएक्शन से क्या होता है सैनमेयर रिएक्शन एक बहुत अच्छा रिएक्शन है जिससे हम बेंजीन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कई एक फंक्शनैलिटीज और उनमें से जो प्रमुख है वो है हेलोजेंस। सो द सैन में रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज़ एराइल हेलाइट फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज कैटलिस्ट तो कॉपर सॉल्ट इसमें कैटलिस्ट होते हैं और यह उदाहरण क्यों विशेष है क्योंकि यह उदाहरण है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव हेलोजन या सी एन नेगेटिव ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं या ओ एच नेगेटिव जो कि अमूमन बेंजीन रिंग में नहीं जुड़ते हैं क्यों क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं एंड दिस कैन इक्वली कंपीट विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इसकी यूटिलिटी जो है उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन की है न लीड टू यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बेनजीन ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बेन्जीन को ऐसे प्रोडक्ट में बदलना जो कि इजिली संभव नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन इनमें क्या है हेलोजिनेशन साइलेशन सी एफ थ्री एंड हाइड्रोक्सी तो किसका उदाहरण है रेडिकल न्यूक्लियोफिलेक

उसकी जगह उन्हें मिला फिनाइल क्लोराइड यानी कि ये जो सी एल है ये किस में अटैच हो गया टू द बेंजीन रिंग इट सेल्फ एसेटेलाइड ना अटैच हो के मतलब कॉपर एसेटेलाइड इसने कॉपर ने यहाँ कैटलिस के फॉर्म में काम करा और ट्रांसफर करा किसको यहाँ सी एल को रिएक्शन नाउ अडेज आजकल के उदाहरण जो हम दे हम कहेंगे कोई भी मेथड जिससे हम सब्सटीट्यूशन करें एरोमेटिक अमीनो ग्रुप में कैसे उसका पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाए फिर इसको डिस्प्लेस करें किसी न्यूक्लियोफाइल से अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन नहीं हो सकता है बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक जो नॉर्म है आम जो है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है तो वो तो रिपेल करेगी अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां पे पहुंचा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लविंग होता है जबकि एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिच होती है तो इस खास मेथड से हम ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैच करते हैं किससे सब्सटीट्यूट करते हैं बेंजीन रिंग में किसकी प्रेजेंस में कॉपर वन कैटलिस्ट सॉल्ट इसकी प्रेजेंस में सबसे जो कॉमनली एम्प्लॉयड है सैनमे रिएक्शन इट इज फॉर क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन साइनेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन यूज क्या करेंगे उसमें हम सी यू सी एल सी यू बी आर सी यू सी एन और सी यू टू ओ डिपेंडिंग अपॉन हमें क्लोरिनेशन कराना है ब्रोमिनेशन कराना है साइनेशन कराना है या हाइड्रोक्सिलेशन कराना है अब रिसेंटली uh, ट्राई जो है वो डायजोनियम सॉल्ट का उसमें हम जो यूज करते हैं वो कॉपर सी एफ थ्री यूज करते हैं साथ में ट्राई फ्लोरोलीन कॉपर तो वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें बेंजीन रिंग में और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कई एक फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट ट्राईफ्लोरोल ग्रुप जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है और इसको सैनमेर टाइप रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन हेलोजेंस का जो लगना होता है या ओ एच ग्रुप इसको कहते हैं सैनमेयर रिएक्शन और इसमें देखिए एक खास ग्रुप जो जुड़ रहा है वो है ट्राईफ्लोरो मिथाइलेशन हो रहा है सैनमेयर टाइप रिएक्शन ही ये कहलाता है सैनमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो कुछ ये यूँ होता है कि एन और एच के प्रेजेंस में एच एन होगा बनेगा एच तो ये है एन का एन ओ क्या बन गया एच एन हमारा जो है इसमें फिर फर्दर रिएक्ट करता है कैसे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है एंड डबल ओ सिंगल बॉन्डो एच ऑक्सीजन पे लोन पेयर ये लोन पेयर एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वट एवर एक्स कैन कैन बी एक्स कैन बी एनी अदर एनी हेलोजन तो इट कैन बी सी एल ऑल्सो तो अब देखिए एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो गया, गया, तो स्टेबल तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स इसने खींचे और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया क्या एच टू ओ एच टू निकला तो क्या बन गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन एन ओ एन यहाँ से वैलेंसी कम हो गई है एक बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ ट्रांसफर कर दे नाइट्रोजन को क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो अब ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो गया ये इसका नाइट्रोसोनियम आयन का है स्टेबलाइज स्ट्रक्चर अब ये रिएक्ट करता है फर्दर एन पॉजिटिव किससे एनलिन तो so, एनिलीन का हम क्या कर रहे हैं डाइएज़ोटाइजेशन क्या डाला हमने NaNO2 HCl डाइज़ डाइज़ोनियम सॉल्ट बना रहे हैं इसका कैसे बनेगा ये देखिए NO नाइट्रोसोनियम आयन है N पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे लोन पे फ्रॉम नाइट्रोजन तो NH2 एनिलीन यहाँ लग गया ये N पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन का तो so, अब ये तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई इसके एक दो तीन तीन है की लेकिन एन एच टू का नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे हटे एच निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए तो बन गया एन एच एन ओ एन एच एन डबल बॉन्ड ओ अब ये बना है तो फिर से क्या होगा हमारे पास मीडियम में एच पॉजिटिव आयन्स हैं एच पॉजिटिव ये एच पॉजिटिव कहाँ गए टू ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो बन गया डबल बॉन्ड ओ एच अभी तक तो डबल बॉन्ड ओ था वैलेंसी दो पूरी थी ऑक्सीजन की अब इसने लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया क्योंकि एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट है एसिड मीडियम में तो ऑक्सीजन पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया तो क्या होगा ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से खींचा ये खींच के यहाँ एन ओ एच लेकिन इस नाइट्रोजन की तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो इसने इस लगे हुए नाइट्रोजन से ये वाले नाइट्रोजन से लोन पेयर अपनी तरफ को खींचा इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजन और अब ये इस नाइट्रोजन से यहाँ ऑक्सीजन से ट्रांसफर ट्रा, चार्ज कहां हो गया सीधे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स उसने इस नाइट्रोजन से खींचे इस नाइट्रोजन ने ये वाले नाइट्रोजन से लोन पेयर खींचा इस नाइट्रोजन में एक दो तीन चार चार तीन की जगह चार बैलेंसी इसका एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर यहाँ आ गया ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया कैसे निकले पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मौजूद है ये इस पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ निकल जाएगा एज ए रिजल्ट हमारे को मिल गया एन डबल बॉन्ड एन ओ एच अब फिर एच पॉजिटिव एसिड प्रेजेंट है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे बन गया OH2. अब फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और निकल जाएगा एच टू ओ और नाइट्रोजन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ये नाइट्रोजन बगल के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर इसने खींचा अपनी तरफ को लोन पेयर तो ये चार्ज आ गया इस नाइट्रोजन पे बन गया हमारा एक्स नेगेटिव सॉल्ट ये बन गया अगर ये सीएल है तो डायजोनियम क्लोराइड तो ये डायजोनियम आयन हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया है अब इस डायजोनियम आयन का फर्दर रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होगा कॉपर कैटेलाइज है ये रिएक्शन

एन टू पॉजिटिव सी एल और वी कैन से इन जनरल एक्स नेगेटिव एक्स कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या सब्सटीट्यूट कराना है हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हमें बनाना है यहाँ सी एल क्या हमें बनाना है बी आर क्या हमें बनाना है ओ OH, एच क्या हमें बनाना है सी एन साइनो या फिर इसका थोड़ा मॉडिफाइड स्वरूप हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है सी एफ थ्री ट्राई फ्लोरो मिथाइल ग्रुप जो कि बहुत एक यूजफुल फंक्शनैलिटी है तो एक कॉपर ने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन एक वन सेट मैकेनिज्म है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेट मैकेनिज्म ट्रांसफर किया यहां एक इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली यू बन गया हमारा ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और साथ में क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पे प्रेजेंट है एक्स नेगेटिव X नेगेटिव जो है इधर अटैक करेगा तो हमारे पास बन गया सी यू एक्स टू अब इसकी बैलेंसी क्या हो गया ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं आप देखिए तो अब इस तरह कॉपर टू सॉल्ट में बदल गया वन से किस में चेंज हो गया कॉपर टू अब यहां पे है नाइट्रोजन अब ये नाइट्रोजन आपको मालूम है एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जेनरेट करता है अब क्या होगा इसमें ये इनिशिएट करेगा इसमें किस तरह का रिएक्शन क्योंकि इसको पेरिंग चाहिए हाईली रिएक्टिव इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स खींचा इलेक्ट्रॉन एक छोड़ गया यहाँ तो इस तरह से ये फिशन हुआ इसमें और यहाँ बन गया क्या यहां बन गया हमारा न्यूट्रल नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारा निकल गया यहाँ नाइट्रोजन निकल गया नाइट्रोजन गैस निकल गई हमारी और ये बन गया, इससे हमारा रेडिकल दूसरे रेडिकल को खींचेगा इसको भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने को तो फिर से होगा होमोलिटिक फिशन एक्स यहां से एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉपर के पास एक इलेक्ट्रॉन और एज अ रिजल्ट ये एक इलेक्ट्रॉन लेता हुआ एक्स यहाँ पे आएगा और इसके साथ बना लेगा बॉन्ड मिल गया हमको प्रोडक्ट सी सिक्स एच फाइव एक्स अब जैसा पहले कहा है हमको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उस हिसाब से हम यहाँ एक्स ये चूज करते हैं और ये कॉपर जो है फिर से जो टू था फिर से क्या हो जाएगा फिर से हमारा चेंज हो जाएगा किसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है ये रिडक्टिव एलिमिनेशन कॉपर टू फिर से किस में चेंज हो जाएगा इन टू कॉपर वन कॉपर टू चेंज हो गया हमारा किसमें कॉपर वन और फिर से सेट मैकेनिज्म शुरू होगा ये जनरेट हुआ यहाँ पे रेडिकल और कॉपर पॉजिटिव आया एक्स नेगेटिव बन गया कॉपर टू सॉल्ट ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे और फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन कॉपर टू फिर से चेंज हो गया कॉपर वन में और हमको मिल गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ सैनमे रिएक्शन ये एग्जाम्पल किसका है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है इसका एविडेंस कि हमें बाय एरायल प्रोडक्ट भी मिलते हैं क्यों क्योंकि देखिए एक ये एराइल रेडिकल है और ये क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं तो ये ऐसा भी होगा कि एक और ऐसी एराइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करें उन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाए तो हमें बाय एराय जो है प्रोडक्ट वो मिल जाता है ये इसका बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट हाँ जो इसका एविडेंस है कि ये इस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो, होता है नहीं तो ये संभव नहीं था ये बनना अब सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक डाइजो ग्रुप का इनिशिएटेड हेलोजन या बायो हेलोजन इनिशिएटेड बाय वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेट मैकेनिज्म सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैटलाइज बाय कॉपर वन टू फॉर्म एन एराइल रेडिकल विद लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस सब्सटीट्यूटेड एरीन क्या है ये जो बनते हैं सी एल बी आर सी एन ओ एच और कैसे कॉपर टू स्पीशीज से जो एराइल रेडिकल के साथ रिएक्ट बनाता है और प्रोड्यूस करता है ये सब्सटीट्यूटेड एरिन को और खुद ही चेंज हो जाता है कॉपर वन कैटलिस्ट में जो शुरू में हम यूज करते हैं उसी में चेंज हो जाता है सबसे बसेटेंट यूज जो इसका है वो है एराइल हेलाइट बनाने में चॉइस जो है सॉल्वेंट का डिपेंड करता है कि अगर एराइल आयोडाइड तो डायडोमिथेन लेते हैं एराइल ब्रोमाइड तो ब्रोमोफॉर्म एराइल क्लोराइड तो क्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन करकिनॉल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेस्क्यूटरपीन है जो स्पॉन्जेज एंड प्लांट्स इनसे आइसोलेट हुआ है इसमें बहुत सारी इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एंटी फंगल और एंटी कैंसर तो इसके सिंथेसिस में ये एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में यूज करा जाता है रिएक्शन जिसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं अमीनो ग्रुप को ब्रोमो से उसके बाद फिर ब्रोमो का डिहाइड्रोहैलोजनेशन करा के डबल बॉन्ड इसमें जनरेट करा जाता है तो याद रखिए करक्यू करक्यू फिनॉल जो है इसके सिंथेसिस में ये सैनमे रिएक्शन यूज होता है एक और यूज जो है सैनमे रिएक्शन का इस, वो है साइनेशन जिससे बेंजोनाइट्राइल बने और ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये की इंटरमीडिएट्स होते हैं फिर से सिंथेसिस किस में हम इससे सिंथेसाइज करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि मेंटल इनलेस में यूज करी जाती है फ्लुएंसोल ये साइनेशन के थ्रू सी एन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके बनाई जाती है यूज इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री मेंटल इनलेस के लिए सैनमे टाइप रिएक्शंस एराइल कंपाउंड्स को जब हम फंक्शनलाइज करें ट्राई फ्लोरोल ग्रुप से सी एफ थ्री मतलब सी सिक्स एच फाइव में सी एल या बी आर याच या सी OH एन या, की जगह क्या लगा दें सी एफ थ्री ये सैनमियर टाइप रिएक्शन कहा जाता है इसको भी क्योंकि इसी तरह कैटेलाइज होता है ये प्रोसेस वही है ये बहुत ही यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ट्राई फ्लोरोमिथाइलेशन जब हम कर दें बेंजीन रिंग का क्योंकि इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं बहुत हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं फार्मास्यूटिकल जो यूज होते हैं दवाइयों के फॉर्म में जिसमें सी एफ थ्री ग्रुप लगा होता है क्योंकि वो इसको इंक्रीज करता है इसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी लाइपोफिलिसिटी और बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि अवेलेबिलिटी जब हम दवा खाते हैं वो अवेलेबल भी तो होनी चाहिए हमारी बॉडी में मिलनी भी तो चाहिए ये तो नहीं है ट्रैप हो जानी चाहिए तो जितना वो घुल जाए तो लाइप लाइपोफिलिक बना देता है इसको और बायो अवेलेबल बना लेता है जिससे इसका जो एक्शन हो मैकेनिज्म हो वो भी इंक्रीज हो हमारी बॉडी में क्योंकि हमारी बॉडी में लिपिड्स फैट्स ये प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे ग्रुप्स के साथ ये जो है इसको इसका मिलना इसका उसमें घुलना ये डिसाइड करता है जिससे बायो अवेलेबल बने तो जो ड्रग्स में देखिए ये होता है जो मेडिसिन में ट्राई ग्रुप इसमें ये तो खैर इसका जो नाम है सस्टिवा ये इसका कमर्शियल नेम है इफावेरेंस ये एच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है फ्लोक्टीन ये तो प्रोजैक्ट नाम से बिकती है एंटी डिप्रेसेंट है सेलेक्सि सेलेब्रिक्स नाम से बिकती है ये है नॉन स्टेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कई ड्रग्स जो हैं इन्फ्लेमेशन घटाती है जिसमें स्टेरॉयड नहीं होते हैं एन एस ए आई डी जिनको बोलते हैं ये वो है बहुत यूज होती हैं ये सैनमे रिएक्शन क्या है यूज एरायलास को फिनॉल्स में कन्वर्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एरायल डायोजोनियम सॉल्ट हमने देखे कितने सारे यूज है सैनमे रिएक्शन के एरायल है फिनॉल्स क्रिएट होते हैं एरायल साइनाइट क्रिएट होती हैं और एराइल के अलावास ट्राइप फ्लोरोल सब्सिट ग्रुप भी इसमें लगता है सी एफ थ्री ग्रुप जो सी एफ थ्री जब इसमें लग जाता है तो उससे कई किस्म की जो है मेडिसिन वो सिंथिसाइज करने के काम आता है नाउ लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन वो है स्टोबे कंडेन स्टोबे कंडें रिएक्शन किसका होता है एल डी हाइड या कीटोन्स का किसके साथर कैटेस्ट कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड

सोडियम इथोक्साइड ये लेकर के रूम टेम्परेचर पर ही कुछ दिनों के लिए रखते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है तो यील्ड हमारी जो है वो बेटर आती है और रिएक्शन कम समय में हो जाता है रिएक्शन कुछ इस तरह है आर सीओ आर डैश ये हमारी ये, CH2, COH, CH2, COH, जो है सक्सेनिक एसिड उसका एस्टर अगर एस्टरीफाई करें उसको इथाइल अल्कोहल से तो ये इसका डाइथाइल सक्सिनेट एस्टर बेस की प्रेजेंस में क्या होगा बेस की प्रेजेंस में देखिए अब ये किस तरह होगी एक्टिव मिथाइलिन की तरह है. तो यहाँ से यहाँ से एक ही बात है एच पॉजिटिव निकला सी एच नेगेटिव जनरेट हुआ ये सी एच नेगेटिव सी पॉजिटिव में इसने अटैक करा तो जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा आर सी आर डैश आर सी आर डैश और यहाँ पे आ गया सी एच टू सी ओ ओ अब क्योंकि इन्हने लिया है तो उसी का सोडियम सॉल्ट बनेगा हम्म सी ओ ओ सी टू एच फाइव अब ये कैसे आया देखिए ये सी ओ है एक किस्म से हम कह दें अगर इन्हें नटशल देखिए यहाँ से तो सी टू एच फाइव ये निकल गया ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच क्योंकि एक एच हम्म और एट द सेम टाइम यहाँ पे एच टू ओ जो कह रहे हैं नटशल में कैसे ये H2 यहाँ का O यहाँ का लग गया लग गया यहां क्या डबल बॉन्ड C CO C2H5 क्योंकि ये H2 निकल गया है CO C2H5 और दूसरा तो रह गया CH2 COO हाइड्रोलाइज हो गया है वो Na पॉजिटिव तो हमें इस तरह से अनसैचुरेटेड सॉल्ट मिल गया है किसका ये अनसैचुरेटेड एसिड एस्टर क्या मिला है अनसेड एसिड एस्टर ये हमारा क्या है प्रोडक्ट सक्सिनिक एसिड अल्टीमेटली इससे बनेगा फर्दर आप समझे कैसे हुआ है रिएक्शन देखिए H2 और O ये निकला तो आ गया C डबल बॉन्ड सी सीओ सी टू एच फाइव सीओ सी टू एच फाइव सी एच टू COO, COO, ठीक है C2H5. टू एच फाइव अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड C सी एच टू सीओ एन हाइड्रोलाइज हो गया यहाँ से एक सी टू एच फाइव एच निकल जाएगा तो सी एच टू सी ओ एस्टर मोइटी है वो। तो सी एच टू सीओ एन ए और यहाँ सी ओ सी टू एच फाइव यहां से एच टू निकला वहां का तो ये पोर्शन ऐसे ही रह गया है सी ओ सी टू एच फाइव जहाँ से एच H2 निकला एच और जहाँ पे ये लगा हुआ है एच टू वहाँ का ये एस्टर हाइड्रोलाइज हो गया है सी टू एच फाइव ओ एच सी ओ ओ एन ए पॉजिटिव सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड क्या है मैकेनिज्म का एविडेंस कि इसमें लैक्टोन इंटरमीडिएट जो है वो आइसोलेट करा गया है और जहाँ खाली अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें इ रिंग ओपनिंग नहीं होती है तो उस केस में जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट जो है वो बनता है एस्टर्स ओनली अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट दे कैनॉट अंडर गो इिवर्सिबल रिंग ओपनिंग इन द लास्ट स्टेप विच एक्चुअली ड्राइव द रिएक्शन ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ दीज एस्टर्स ओनली इलेक्ट्रोन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इफ ओनली वन एल्फा कार्बन हैज टू अल्फा हाइड्रोजन ओनली देन कैन टेक प्लेस टू द लास्ट स्टेप अभी हम देखेंगे किस तरह इसके मेके जरिएट सक्सिन एसिड ये सी एच टू सी एच टू कहीं भी एक जगह से क्या होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी डब्लू बॉन्डो अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इंटर्नस यहाँ से carbon कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से एच पॉजिटिव निकल गया इलेक्ट्रॉन पैर छोड़ के तो कार्बेन आयन बन गया ये कार्बेन आयन कैसे स्टेबिलाईज हुआ कार्बन डबल बॉन्डो ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो ये यहां चला गया इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि बन गया इनोलेट आयन ऑफ सक्सेनिक एसिड एस्टर सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव खींचा सी नेगेटिव रह गया क्यों खींचा क्योंकि कार्बन की एल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि कार्बन आयल अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये इंटर्न इस कार्बन से कार्बन इंटर्न हाइड्रोजन से ये हो हाइड्रोजन या ये हो एक ही बात है क्यों, सिमेट्रिकल है ये तो यहाँ कार्बन नेगेटिव जो आया वो कैसे स्टेबलाइज हुआ वो इस तरह इनोलेट बना करके ये डबल बॉन्डो ऊपर गया ये कार्बन नेगेटिव इधर की गया और ये बन गया इनोलेट आयन ऑफ सक्सिनिक एसिड एस्टर सक्सिनिक एसिड का ये क्या है एस्टर है स्टेप टू में क्या होगा फिर इनोलेट आयन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एल के साथ कार्बन डबल बॉन्डो इस तरह इलेक्ट्रॉन पैर शिफ्ट हुआ तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पॉजिटिव में लग गया कार्बन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव आर सी आर ओ नेगेटिव यहां लग गया कार्बन नेगेटिव सी एच सी ओ सी टू एच फाइव उसके साथ नीचे लगाया सीओ सी टू एच फाइव ये बन गया हमारा एडिशन से और ये दिखा रखा है ये किस तरह इनोलेट हमारा स्टेबलाइज होता है तो इससे हमारा बन गया अडाट जो हम कॉमनली पढ़ते चले आए हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिस तरह से होते हैं या जो हम एल्डोल कंडेंसेशन में भी देखते चले आए हैं सी एच सी पॉजिटिव में जुड़ा सी एच नेगेटिव नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा देखिए आर आर डैश सी ओ और यहाँ इसके साथ क्या लगा हुआ है सी एच नेगेटिव जो था ये जुड़ गया यहाँ सी पॉजिटिव के साथ तो सी एच सी ओ सी टू एच फाइव लेकिन इसमें ये भी तो लगा हुआ है एक सी एच टू सी ओ सी टू एच फाइव अब यहाँ इस सी एच टू सी ओ ये वाला तो सी एच है जो डायरेक्ट जुड़ा है कार्बेन आयन जहां जेनरेट हुआ है ये वो वाला सी एच टू है जो सक्सेनिक एसिड का दूसरा वाला कार्बन है सी एच टू उसके साथ लगा हुआ सी डबल बॉन्ड हो उसमें भी तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कार्बन पॉजिटिव इस कार्बन पॉजिटिव में क्या आएगा अब इंटरनली ये जनरेट हो गया है है ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव जो बना बना यहां इधर आया कार्बन पॉजिटिव अब ये इतने पास है तो ये ट्रांसफर हो गया अंदर इस कार्बन पॉजिटिव पे ये इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफाइल की तरह इसने एक्ट करा हा? वो नेगेटिव और इस तरह हमारा हो गया ये रिंग फॉर्मेशन अब जब ये रिंग फॉर्मेशन हुआ तो इस रिंग फॉर्मेशन में क्या है यहाँ पे देखिए ओ सी टू एच फाइव तो लगा हुआ है ये क्राउडेड हमारी रिंग बन गई है अब ये ओ नेगेटिव ये वापस गया जो इनोलेट यहाँ बना था ओ नेगेटिव ये वापस गया जो इलेक्ट्रोमेटिक शिफ्ट हुआ था इसमें ये वापस गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये वापस चला गया यहाँ तो कार्बन की बैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई क्योंकि बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ये ग्रुप यहां से निकल गया एसाइल जिसको कहते हैं इसमें ये इधर गया तो ये वाला ओ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हुए निकल गया बन गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गामा लैक्टोन हमारी बन गई है ठीक है गामा लैक्टोन, अल्फा बीटा गामा गामा लैक्टोन बन गई हमारी अब क्या होगा देखिए गामा लैक्टोन बनने ये इसका प्रूफ है गाम, गामा इलेक्ट्रॉन जो है ये आइसोलेट भी हुई है ये प्रूफ है कि रिएक्शन इस तरह से होता है इसका मैकेनिज्म जो है कुछ इस, यूं है अब इसमें क्या होगा गामा इलेक्ट्रॉन में नेक्स्ट स्टेप में गामा इलेक्ट्रॉन में आर आर डैश सी ओ ये तो कार्बनइल वाला पोर्शन है सी एच सी ओ सी टू एच फाइव सी एच टू सी ओ ये हमारा सक्सेनिक एस्टर वाला पोर्शन है जिसमें से ओ सी टू एच फाइव निकल चुका है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा C डबल बॉन्ड O सी O सी टू एच फाइव यहां से H कैसे निकला H यहां से निकला H पॉजिटिव क्यों निकला क्योंकि यहां पे देखिए न्यूक्लियोफाइल है सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव ने यहां से खींचा एच पॉजिटिव तो यहां जनरेट हो गया फिर से वही स्थिति आ गई कार्बन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव कैसे क्योंकि गामा इलेक्ट्रॉन रिंग है अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ लगा है तो ये अल्फा पोजिशन की हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगी एसिडिक ये वैसे भी रिंग में है स्ट्रेन में है तो क्या होगा ये बेस इस एच पॉजिटिव को खींच लेगा तो यहाँ कार्बेन आयन जनरेट हो गया और अब कार्बेन आयन जब जनरेट हुआ यहां लगा हुआ देखिए एक ऑक्सीजन और यहाँ लगा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ भी अपनी तरफ को क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ये सी डबल बॉन्ड ओ अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ये कार्बन इन टर्न इस ऑक्सीजन को खींच रहा है और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही है तो ये इस बॉन्ड को खींच रही है कार्बन से जब ये कार्बन से इस बॉन्ड को खींच रही है तो इसको मदद कौन करेगा ये बगल में बैठा हुआ कार्बेन आयन ये पुल हो जाएगा यहाँ ये यह खींच के यहाँ चला गया जिससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया तो रिजल्ट क्या हुआ इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई तो ये ऑक्सीजन यहां से निकल गई ओ नेगेटिव तो आ गया हमारा क्या यहां पे देखिए सी सीओ सी टू एच फाइव सी एच टू सी ओ नेगेटिव और अगर ये सोडियम इथ हो तो उसी का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ठीक है और अगर H पॉजिटिव हो तो बन जाएगा सी एच टू एच तो क्या बना एज ए रिजल्ट आर आर डैश सी डबल बॉन्ड सी सीओ सी टू एच पाइप सी एच टू सी ओ नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस करा तो बिल गया हमें सी एच टू सीओ एच तो ये हमारा बन गया एस्टर एसिड कैसा एस्टर एसिड है अनसेचुरेटेड एस्टर एसिड ये स्टोबिक कंडेंसेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड करा गया है ग्लूटारिक एसिड मतलब ग्लूटारिक सक्सिनिक तो दो कार्बन वाला डायकार्बोक्सिलिक एसिड वहीं ग्लूटारिक एक दो तीन सी एच टू सी ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच ऐसा डायकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें तीन कार्बन लगे हुए हों वो क्या कहलाता है ग्लूटारिक एसिड उसका ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ एस्टर तो ब्यूटाइल एस्टर अब जब फर्दर इसमें रिएक्शन हुआ तो क्या मिला हमें आर आर डैश सी प्रोडक्ट देखिए वही एच टू ओ निकाल दीजिए इसमें से तो एच टू ओ ये निकला तो बन गया सी डबल बॉन्ड सी सी ओ ओ ब्यूटाइल ग्रुप है ब्यूटाइल एस्टर दूसरा सी एच टू सी एच टू एच अब इसमें हम देख रहे हैं ना दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें दोनों ही सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट पड़ेंगे ये स्टोबे कंडेंसेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि हम शुरू में कह रहे थे ये सक्सिनिक एसिड एस्टर के साथ होता है एस्टर अब ये हुआ है किसके साथ ग्लुटारिक एस्टर के साथ है और हमें सेस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं स्टोबिक कंडेन्शन हम बहुत सारे इसमें वेराइटीज क्या बना सकते हैं अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड एसिड अनसेचुरेटेड को हाइड्रे अगर हम रिडक्शन करें तो सैचरेटेड मिलेंगे कंडेंसेशन बहुत यूजफुल है किसके सिंथेसिस के लिए बहुत सारी किस्म की पॉलीसाइक्लिक रिंग सिस्टम के लिए ये ईस्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट हारमोन है उसके सिंथेसिस के लिए भी यूज़ करा जाता है इसके अलावा स्टोबिक कंडेंसेशन हमें रीना साजिश सिंथेसिस कहते हैं तेमेट्रोलिन जो कि बहुत किस्म की बाद में यूज इसका यूज है साइकेट्रिक ड्रग्स प्रिपेयर करने के लिए ऐसा ऐसी ड्रग्स जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स मेंटल एलिमेंट्स के लिए काम आती है उसमें ये स्टोबे यूज करा गया है एप्लीकेशन अनसेचुरेटेड एस्टर जो है एसिड एस्टर इसको हम डिकार्बोक्सिलेट अगर कर लें तो बीटा गामा हमें मिल जाएगा अनसेचुरेटेड एसिड जो कि हाइड्रोजनेट करें अगर रिड्यूस करें तो सेचुरेटेड एसिड देखिए कैसे आर आर सी ओ ओ था ना यहाँ और यहाँ था सी एच टू एच टू ओ निकला तो आ गया डबल बॉन्ड सी सी एच टू एच यहाँ का एच टू तो निकल गया तो आ गया सी ओ सी टू एच फाइव फिर इसको रिफ्लक्स करा एच एच बी आर और एस्टिक एसिड और एच टू ओ की प्रेजेंस में तो क्या हुआ देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां से डिकार्बोक्लेशन हो गया डिकार्बोक्लेशन मतलब यहाँ से अगर सी एच सी ओ टू ये निकल गया हमारा यहाँ पर से तो ये बन गया सी एच यहाँ पे हुँ? और ये आ गया यहाँ पे सी टू एच फाइव ओ एच ये निकल गया तो क्या बन गया यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा फिर इसको इसके बाद सी एच ये आ गया सी एच सी एच टू सी ओ एच क्यों ये निकल गया डिकार्बोक्सिलेशन से सी टू एच फाइव ओ एच और सी ओ टू तो आ गया सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी ओ एच अनसेचुरेटेड एसिड बन गया ना देखिए कैसा अनसेचुरेटेड एसिड है ये हुँ? हमारा ये अनसेचुरेटेड एसिड अब ये अनसेचुरेटेड एसिड को हमने रिड्यूस करा तो आ गया सी एच टू यहाँ सी एच टू और यहाँ सी एच एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ सी एच आर आर डैश सी एच सी एच टू सी एच टू सी ओ एच हमें मिल गया ये फाइनल प्रोडक्ट तो इससे इस किस्म के भी हम बना सकते हैं अन एसिड्स जो कि हाइड्रेट होके हमें दे सकते हैं ऐसे सैचुरेटेड एसिड्स इसके अलावा जो है साइक्लिक साइक्लिकटोन्स भी इस मेथड से प्रिपेयर करी जा सकती हैं किस तरह है? देखिए ये सी सिक्स एच फोर आ सी सिक्स एच फोर ये सब्सटीट्यूटेड है बेंजीन सी आर एक तरफ अब ये सी डबल बॉन्डो या आया यहाँ पे सी एच टू सी एच टू सी ओ ई टी सी ओ सी ओ ई टी अब देखिए क्या हुआ इसमें इसमें फिर से एच टू ओ निकला डबल बॉन्ड सी उसके बाद क्या बन गया उसमें डबल बॉन्ड सी जैसे इस, अब डबल बॉन्ड सी एक तरफ आ गया हमारा सी C2H5 ओ सी टू एच फाइव दूसरी तरफ आ गया सी एच टू सी ओ एच ठीक है क्योंकि इसका एच टू निकल चुका है ना यहाँ एच टू और ओ ये निकल गया तभी तो ये डबल बॉन्ड बना अब इसके बाद इसको फिर से रिफ्लक्स करा तो रिफ्लक्स करने से क्या होगा देखिए रिफ्लक्स करने से क्या होगा फिर से डिकारबॉक्सलेशन और यहाँ से निकल गया ये हमारा ग्रुप तो उससे क्या होगा और यहाँ पे आ गया हमारा क्योंकि ये निकला एच फिर सी एच टू सी ओ एच कर रहे ये तो क्या बन गया यहाँ पे अब यहाँ पे रह गया हमारा आर सी सिक्स एच फोर आर सी सी एच टू सी एच टू डिकारेशन हो गया ये निकल गया यहाँ से ये वाला पोर्शन सी एच एच ओ तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ एच आ गया तो इससे क्या होगा ये आ गया सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ सी ओ और ये ओ नेगेटिव यहाँ ये गया इधर एच तभी ये सी एच टू में ये तो सी एच टू में चेंज हो गया ना यहाँ ये वैलेंसी निकली यहाँ से एक वैलेंसी कम हुई तो सी CH, एच फिर सी एच टू में चेंज हो गया ये बॉन्ड क्योंकि पूरा निकल गया यहाँ से हुँ? और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो क्या बना यहाँ तो एच आया तो ये सी एच टू में चेंज हो गया सी ओ ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे इस कार्बन पे क्योंकि ये यह यहाँ शिफ्ट हो गया इसमें एच पॉजिटिव लग गया तो यहाँ आ गया यहाँ पे एक वैलेंसी जो कम हुई है उसकी जगह उसको इलेक्ट्रॉन्स किसने प्रोवाइड करे ओ नेगेटिव ने तो इस तरह हमारा रिंग क्लोजर हो गया ये रिंग बंद हो गई ये पूरा ग्रुप तो यहाँ निकल गया और यहाँ साइक्लाइजेशन होके सी एच टू सी एच टू सी ओ इधर आया और इसको हम रिएक्शन अगर करवाते हैं फर्दर एन एच और कॉपर से और रिड्यूस करते हैं तो ये क्या होगा ये वापस इस तरह बना लेगा देखिए आर सी सिक्स एच फोर आर सी इसके साथ आ गया यहाँ पे एच जो वैलेंसी वो कम हुई थी क्यों क्योंकि ये वापस खिंच गया यहाँ सी एच टू सी एच टू सी ओ एच रिड्यूस हो रहा है एक एच यहाँ लगा एक एच यहाँ लगा तो क्या बन गया आर सी सिक्स एच फोर सी एच आर सी एच टू सी एच टू एच और एक एच इधर तो ये हमारा ये बना प्रोडक्ट जिसको एच एफ की प्रेजेंस में इसमें रिंग क्लोजर हो जाएगा रिंग क्लोजर हो जाएगा कैसे क्योंकि ये फिनाइल हमारी रिंग है सी सिक्स एच फोर ये रिंग है जिसमें एक तरफ लगाया सी एच आर सी एच आर दूसरी तरफ लगाया सी एच टू सी एच टू फिर नीचे सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो ओ एच और यहां से एक एच और ये रिंग क्लोजर हो गया और हमें क्या मिल गया एक साइक्लिक कीटोन तो इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू प्रिपेयर साइक्लिक कीटोन ऑफ दिस नेचर अब हम करते हैं लास्ट रिएक्शन जो कि रिएक्शन है जर्मन केमिस्ट लूडविक गैटरमैन और जूलियस आर्नोल्ड कॉच इनके पीछे नाम पड़ा है ये वेरिएंट है गैटरमैन रिएक्शन का क्योंकि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और गैटरमैन रिएक्शन की तरह है के अनलाइक कैटरमैन रिएक्शन में तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ फिनॉल और फिनॉल ईथर्स जो है सबस्ट्रेट की तरह यूज़ नहीं कर सकते फॉर्माइलेशन रिएक्शन है क्या हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें एच सी ओ ग्रुप यानी कि सिंथेसाइज़ कर रहे हैं हम एक एल डी हाइड जिंक क्लोराइड जगह अगर हम यूज़ करें लुइस एसिड की तरह इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह और या हाई प्रेशर में यूज़ करें तो फिर हमको इसमें तब चाहिए होता है उस केस में कॉपर क्लोराइड या निकल टू क्लोराइड को कैटलिस्ट के फॉर्म में जब हम जिंक क्लोराइड के यूज करें नहीं तो अमूमन एल्यूमिनियम क्लोराइड ही इसमें यूज होता है जिंक क्लोराइड अगर यूज करें लुइस एसिड के फॉर्म में तब हमें इसमें को कैटलिस्ट जो है यूज करना पड़ता है बहुत ट्रेस अमाउंट में कॉपर वन क्लोराइड का या निकल क्लोराइड का ट्रांजिशन मेटल तो को कैटलिस्ट ये क्या है इसका ये कैरियर की तरह यूज कर होता है क्यों कैरियर की तरह क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है कार्बोनाइ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे हमारा फिर एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बन जाता है यही काम होता है इसमें इसका एल्यूमिनियम क्लोराइड जो इसमें डालते हैं वो भी माना जाता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह वो बढ़ाती है रिएक्शन कैसे देखिए कार्बोनिलेशन रिएक्शन किस तरह होता है फॉर माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस एच सी ओ तो क्या बन गई एल्डिहाइड डी अल एल्यूमिनियम क्लोराइड यूटस क्लोराइड इसकी प्रेजेंस में तो इस किस्म से ये लिमिटेड होता है ये रिएक्शन सब जगह ये इसका यूज नहीं है इस रिएक्शन का ये लिमिटेड होता है रिएक्शन ये इस किस्म के हमारे कंपाउंड्स में कि हो या एल्काइल बेंजीन्स हो वहां तक ही सीमित है फॉर्माइलेशन ये रिएक्शन किस तरह है इसमें हमारी अब रिएक्शन होगा तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा किससे जनरेट होगा सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड एच सी एल एच पॉजिटिव नेचुरली कहा जाएगा सी नेगेटिव सी नेगेटिव क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ दे दिए हैं कार्बन में पॉजिटिव ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज तो बन गया सी एच एच पॉजिटिव गया इधर कार्बन यहाँ नेगेटिव हाँ इसकी तरफ क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है सी एच ओ अब ये सी एच ओ में अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है अपना चार्ज इधर की तरफ खींच लेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अभी तक तो तीन और एक चार इसकी वैलेंसी पूरी थी कार्बन की अब एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो सी एल नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा बन जाएगा सी सी एल एच डबल बॉन्ड ओ एल सी एल थ्री लुइस एसिड इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की छई तो है तो ये सी एल नेगेटिव को अपनी तरफ इसने पुल करा ए एल सी एल फोर नेगेटिव बन गया यहाँ और साथ में कार्बन में आ गया पॉजिटिव चार्ज एच सी ओ तो हमारा ये जेनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल ने फिर बेंजीन रिंग में जैसा कि होता है जनरल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में सी पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा ऑक्सीजन क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज ट्रा, ट्रा, ट्रांसफर हो गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पॉजिटिव आएगा कहां से इसने ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करे तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज अब ये बन गया ये पॉजिटिव चार्ज जो है जैसा इलेक्ट्रोपिल रिएक्शन में होता है ये और, और पैरा पोजिशन में डीलोकलाइज होगा ऑर्थो पोजिशन तो ये बन गया हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जब ये वाली ऑर्थो पोजिशन तो ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जब ये पैरा पोजिशन तो ये है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ग्रुप कौन सा लगा है सी एच से आया ये बना है हमारा किस तरह एच सी और ए एल इनके आपस के रिएक्शन से फॉर्माइलेशन हो गया अब क्योंकि ये हमारी एरोमेटिक रिंग थी ये देखिए चेंज हो गई है किसमें इन टू दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा में चेंज हो गया इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई इस सिस्टम की एनर्जी हाई होगी क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को लेता हुआ एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ था वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकल गया एरोमेटिसिटी वापस आ गई हमें एनर्जी भी इसकी सिस्टम की लो हो गई और मिल गया सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्माइलेशन पूरा बेंजेल सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज हम लोगों ने तीन रिएक्शन करे गेटमैन कॉच सिंथेसिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन फॉरमाइलेशन हमने करा स्टोबे कंडेंसेशन जो कि इनोलेट के थ्रू प्रोसीड करता है डाइथाइल सक्सिनेट या लुटारिक एसिड के भी डाई एस्टर ब्यूटाइल एस्टर लेकर के उससे भी ये रिएक्शन होता है लैक्टोन के थ्रू प्रोसीड करता है ये कामा लैक्टोन बनती है इसमें और इसके अलावा जो हमने रिएक्शन करा और इसके यूज और हमने इसके यूजेस भी पढ़े कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है रिएक्शन का कि स्ट्रॉन और टैमट्रिय ट्रलिन ये बनाने में इसके अलावा हमने पढ़ा सबसे पहले वो है सैंड मेयर रिएक्शन जो कि अपने आप में अलग अलग किस्म का रिएक्शन है क्योंकि वो जो है मकैनिज़म दिखाता है कैसा उसका मेकेनिज़म है हमारा थ्रू रेडिकल रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन send me a reaction to thank you all of you